नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा डिजाइन लाई हूँ, जिसे आप लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, फ्रॉक में, स्कर्ट में, शॉल में, स्टॉल में, चाहे किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसे बनाने के लिए हमें 12 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा एज स्टिच के लिए। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो और डिज़ाइन अच्छे लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। मैं डिज़ाइन इसी के ऊपर बनाऊंगी, आप इसे पहली लाइन समझें। इस डिज़ाइन को हम फंदे डालने के बाद डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत सा लहर की तरह बना हुआ है। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो सभी फंदे हम सीधे बना लेंगे। तो पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। तो पहली लाइन में मैंने सभी फंदे सीधे बुन लिए। अब ये दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। तो दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे बुन लिए गए हैं। अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से, और ये डिजाइन का मेन लाइन है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। नेक्स्ट 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, लेकिन उन हमारी तरफ है, यानी हम जाली डाल रहे हैं और सिलाई में 2 बार उन लपेट कर तब सीधा बुनेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को सिलाई में 2 बार उन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। तो 2 फंदा हो गया। फिर उन अपनी ओर करेंगे, सिलाई में 2 बार उन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, सिलाई में 2 बार उन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। तो 4 फंदों को हमने सिलाई में 2 बार उन लपेटते हुए सीधा बुना, और चारों के पहले हमने जाले दिया, यानी यहाँ पे 4 फंदे से 8 फंदे हो गए। अब नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 2 का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए। नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 2 का एक करेंगे सीधा बुनते हुए। नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 2 का एक करेंगे सीधा बुनते हुए। नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 2 का एक करेंगे सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमने 8 फंदों से 4 फंदे कर लिया। यहाँ पे हमारे 4 फंदे घट गए। यहाँ पे हमने 4 फंदों से के पहले जाली दिया था, तो 4 फंदे यहाँ बढ़ गए थे, और यहाँ पे हमने 8 फंदों से 4 फंदे कर लिया, यानी यहाँ 4 फंदे घट गए। तो टोटल फंदे हमारे जितने थे वापस उतने हो गए। और इन्हीं 12 फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। यहाँ पे हमने 8 से 4 किया था, यानी नेक्स्ट 4 फंदों को हम जाली देके और सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हमने 4 फंदों से 8 फंदे किए हैं। नेक्स्ट 8 फंदों से हम 4 फंदे करेंगे। 2-2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए। 1, 2, 3, 4।
अब नेक्स्ट चार फंदों से आठ फंदे करेंगे। सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए और जाली देते हुए, ऊन अपनी ओर किया यानी हम जाली दे रहे हैं, और फिर सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लेंगे। तो दो हो गया, तीन और चार फंदों को हमने सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए और जाली देते हुए सीधा बुन लिया। लास्ट में पांच फंदे बचेंगे, तो दो फंदों को एक साथ लेंगे सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे हम सीधा बुन लेंगे। और अब ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो तीन फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, एक दो तीन, उन दूसरी ओर करेंगे और आठ फंदों को सीधा बुनेंगे। एक ये जो हमने चार से आठ फंदे किए थे उन्हें हम रॉन्ग साइड से सीधा बुनेंगे। देखिए ये जाली वाला फंदा सीधा बुन लेंगे, दो लपेटा हुआ फंदा इसे सीधा बुनेंगे, ये अपने आप खुल जाएगा, तीन चार पाँच छ सात आठ। अब उन अपनी ओर करेंगे और चार फंदों को जिसे हमने दो से यहाँ दो दो फंदों को एक साथ लेके बुना था यानी आठ से चार किया था इसे हम उल्टा बुन लेंगे, एक दो तीन चार। तो इन्हीं बारह फंदों को, ये तीन फंदा साइड के छोड़ देंगे, इन्हीं बारह फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे, यानी आठ फंदा सीधा, एक जाली वाला फंदा, दो इन आठ फंदों को हम सीधा बुनेंगे, और अगले चार फंदों को उल्टा। उन दूसरी ओर आठ फंदे सीधे, और लास्ट में तीन फंदे बचेंगे जिन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो शुरुआत में भी तीन फंदे थे और लास्ट में भी तीन फंदे बचेंगे, तो जिन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। और अब इन्हीं चारों लाइनों को हम अब दूसरे कलर के ऊन से बुनेंगे, यानी सेकेंडरी कलर के ऊन से सभी फंदे सीधा बुनेंगे, फिर रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टा बुनेंगे, तीसरी लाइन में हम डिज़ाइन डालेंगे। तो एक रंग के ऊन से चार लाइन बुनने के बाद अगला चार लाइन दूसरे रंग के ऊन से बुना जाएगा। आशा है आपको डिजाइन समझ में आ गया होगा। इन्हीं चारों लाइनों को दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जा रहा है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।